दुपट्टा हटाना, हटाना। और ऑन नहीं हुआ था ना, क्या हो गया? गलती हो जाती है। मैंने ना नजर नहीं पड़ी, इसलिए जो है ना मैंने कहा ये क्या है, तो गलत हो गया। तैयार हो गई है? हाँ जी, तैयार हो गया। हाँ जी, मैं भी तैयार हो गई। माशाल्लाह, आप इधर ही आगे पूछने के लिए, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं नहीं, मैं तो मोबाइल का आपसे वो करवाने ही, आपने गए थे घर की बात। हाँ, ये तो बाद में हो जाएगा ना, पहले जो सा जरूरी काम है ना वो काम कर लेते हैं जी। तैयारी हमारी हो चुकी है, फिलहाल जो है ना शुक्रिया हो गई, सुगरा हो गई, रुकैया सिस्टर हो गई, और साथ में जो है ना कौसर हो गई। हम सारे जो है ना निकले जा रहे हैं, कहाँ पे? आप ही फातिमा के घर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको बताएंगे कि हमने क्या काम जाके जो है ना करना है। आप चलें घर, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलें। चलो जी, मिठू जी हम आ रहे हैं पे, ठीक है ना? हाँ जी, आपके नखरे भी वखरे वखरे हैं, इस तरह से कराए गर्दन कैसे? ठीक है, ठीक है। इनाम की तरह से ना, ओए मेरा चिंदा शेर। ये देखे मालटे खान लग गया, मशरूम बात मैंने मालटा दिया, खान लग गया ये। अच्छा चलो चलते हैं फिर, देर हो रही। एक एक ले जाओ, एक मैं उठा। ओ सुभान अल्लाह, कमाल करते हो जी, अभी कार्ड ही नहीं लगी थी नीचे। चलो वालेकुम सलाम, मैं जरा गाड़ी को सही कर लूं। ओ तेरा भला, गाड़ी मैं तो गाड़ी अंदर ले आओ। जी जी जी, सलाम। ठीक है मेरा बच्चा? हाँ जी, माशाल्लाह। भाभी ठीक है? अल्लाह हू अकबर, चक्कर आ रहे हैं? नहीं, ये साथ है। चलो जी जाओ, इसकी मम्मा को लेके आओ। आ जाएगी मम्मा इसकी, कोई बात? वो बैठी है वहाँ पे, वरना वो शाम को आएगी। आपने उसको कहा था ना मामा क्यों बैठी हो, खड़ी हो जाओ। वही खड़ी भी है, बैठी भी है। अच्छा वो इसके इसके देव वो पति जी का है, उनको भेज देना था अपने चाचू को। इनके पति जी की सुबह 10 बजे के गए हैं, मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, फिर बनवाने के लिए गए, अभी नहीं आए, अभी तक नहीं आए। नहीं, चलो आ जाते हैं। ठीक है, मुझे अब सांस तो निकाल ले, तो देखो ना मेरा कितना वजन है फिर, माशाल्लाह। दरिया भी था, सारा वजन मैंने उसे संभाला हुआ था, मोटरसाइकिल का भी, दरियों का भी, अपना भी, तुम दोनों का भी। और क्या, ये हाथ थक जाते हैं, लत्ता भी नाल। हाँ वजन होता है ना, थोड़ी थी वो चला के लेके, इधर उधर पाँव रखने पड़ते, साइडों पे कहीं रुकना पड़ता, चलना पड़ता है, इसलिए। अच्छा भाई बहस मत करें जनाब, तो शरीफ रखे, तशरीफ का टोकरा रखे। मैं भी, बेटा ने इधर चूल्हे में आग जला ली है, चूल्हे में आग भी जला लिया और इसने चाय भी बना ली है। वो ना बस सूखी लग रही है ना, मिंट नहीं लगता फिर पक जाती है। और ये पत्ती इतनी सारी गिरी हुई है, ये आधी नहीं गिरी है, आधी नहीं गिरी है। वो इधर बैठा था ना मेरे पास, उसने डब्बा उठाया हुआ था। अच्छा तो वो तो आपके मैं देखेंगे, गुस्सा नहीं होंगे? नहीं होंगे, उसे पता आधी नहीं गिरी है। अच्छा, अगर हमने गिरी होती ना फिर ज्यादा गुस्सी होती। अच्छा, हाथी के ऊपर नहीं गुस्सा करते हैं? चूल्हे में ना आग अच्छी जरिया, जब आग की जरूरत होती है ना फिर नहीं आग जलती। बस अब आग नहीं है ना, अब टाइम नहीं है, तो अब इतनी अच्छी आग जल रही है। चलें आप दें अपने मामू को चाय, मैं भी उधर ही जाती हूँ, फिर पीते हैं चाय। ठीक है, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आपको पता है हर साल की तरह हम जो है ना हकदार और मुस्तिक फैमिलीज़ के लिए राशन का एहतमाम करते हैं, और इस एहतमाम में हमारे प्यारे बहन भाई, देश के बहन भाई जो हैं परदेश में रहते हैं, उनका ताउन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद पाकिस्तान की कंट्री से भी जो हमारे बहन भाई हैं वो भी जो है ना इस कार्य खैर में हिस्सा जो है अपना अपना शामिल करते हैं। जितना इंसान में तौफीक होता है उतनी हसब तौफीक जो है ना अपना अपना हिस्सा शामिल करते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, चीनी है, खजूरें हैं, दालें हैं, जामा शेरी है, माशे हैं, सारी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान जो है खाने पीने का, रोज़ा रखने का हमारे पास मौजूद है। चीनी 10 किलो है, बेसन है, चावल है, सब चीज़ है, घी भी है माशाल्लाह से, सब चीज़ें हैं। कोई चीज़ जो है ना मेरे ख्याल से एक जो आम बंदा होता है रोज़े में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब चीज़ें हमारे पास माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मौजूद हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आए भी इसी मकसद के लिए थे, क्योंकि मौसम जो है ना ख़राब हुआ हुआ था, सोच रहे थे कि सामान की पैकिंग करें या ना करें, फिर बिल आखिर जो है ना जोश आया, मैंने कहा जी जो सामान जो है ना आज ही पैक करना है, अगर ये काम जो है ना हम कल पर छोड़ें, अगर कल बारिश आ जाए,
अल्लाह की मर्जी है ना, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा चलें जो है ना आज ही जो है ना पैकिंग कर लेते हैं। मसला ये बना हुआ था यहाँ पर, ना भाई मकबूल था ना भाई रफीक था। शौकत भाई तो ये भी है कि एक जो है ना हमें खजूर का पैकेट भी दे देंगे, उसका सवाब जो है ना शामिल हो जाएगा। लेकिन यह है कि मुझ समय सब ने हिम्मत करके सारा सामान जो है ना रूम से बाहर निकाल के माशाल्लाह से जो है ना ओपन कर लिया है। अब हमने करना क्या है, इस सामान के जो है ना थैले बनाने हैं। थैले बनाने के बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला इसको पैक कर देंगे सारे सामान को, और कल इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि डोर टू डोर पता नहीं क्या बोलते हैं जो है ना तरतीब से जो है ना सब फैमिलीज़ में जो है ना हकदार और मुस्तक फैमिलीज़ होंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें जो है ना ये राशन सारा जो है ना तकसीम किया जाएगा। हाफिज़ साहब आ रहे हैं, उनको मैंने बुलाया है, मैंने कहा जी आप दुआ कराइएगा। इतनी सारी माशाल्लाह ये माह रमज़ान की बरकतों का नज़ूल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा भाई आप आएँ दुआ भी करवाएं, और उनका हिस्सा भी मैंने निकाल के रखा हुआ है वो भी उनको देना है। हाफिज़ साहब आने लगे हैं, जैसे वो आ जाते हैं फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना ये जो है ना राशन की पैकिंग करते हैं। मेरे ख्याल से आ भी गए, उनकी कॉल आ गई, मैं जाके ना उनको ले आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से हाजी साहब भी पहुँच चुके हैं, और मैंने जो है ना नाम इनके हवाले कर दिए हैं जिन जिन बहन भाइयों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है, ये दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो है ना हम अपने राशन की पैकिंग शुरू कर देंगे जी। बिस्मिल्लाह करें, हाजी साहब दुआ करा दें, सब ने आमीर कहने। अल्लाह आमीन। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमा, मुश्किलात आसान फरमा, आमीन। या अल्लाह रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है, जो लोग जितनी नेकियां करेंगे सब की नेकियां कबूल फरमा, अल्लाह जितनी इबादत करेंगे सब की इबादत कबूल फरमा, आमीन। माली इबादत, जिस्मानी इबादत, रोजे, सदकात, खैरात, जकात, हर नेमत, हर उनकी नेकी जो है कबूल फरमा, आमीन। खुसूसन या अल्लाह ये जो खालिद भाई हैं अमरीका से, मुसरत आंटी हैं सराय आलमगीर से, शाहिदा रहमान साहिबा उनके सिस्टर हैं अमेरिका से, यूनस भाई हैं यूके से, या इनके अलावा जितने भी दोस्त हैं बहन भाई हैं जो सिद्दीक भाई के साथ तावन करते हैं, फिर सिद्दीक भाई आगे गरीबों तक उनके मालियत के हिसाब से खलूस के साथ पहुँचाते हैं, सबकी नेकियाँ कबूल फरमा, उनके जान में, माल में, रिस्क में बरकतें नसीब फरमा, अल्लाह उनकी हर किस्म की परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह। इसके अलावा सिद्दीक भाई और उनकी पूरी टीम जो पूरे खलूस के साथ मेहनत करते हैं, इनकी पूरी मेहनत को कबूल फरमा, अल्लाह इनको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा, अल्लाह। और रहती दुनिया तक इन सबको इस नेक काम के अंदर लगे रहने की तौफीक नसीब, अल्लाह। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु आलि वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन रहमत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी इस दफ़ा तरतीब भी आपको बड़ी जो है ना पसंद आई होगी माशाल्लाह से, बहुत बड़ी नेकी आपकी, जज़ाकअल्लाह जी। आपके लिए इनाम भी है रफीक भाई, आ जाएं इधर, आ जाएं मुनी बेटा आप आओ, क्योंकि मेरा कैमरे का मसला है इनके लिए जी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक की तरफ से माह रमज़ान का जो है ना तोहफा आया है, आ जाएं जी। हाई साहब आप हमारे घर के बंदे हैं, क्योंकि जो आपका घर बन रहा है नया, मतलब यह है कि जो बहन भाई उन्हें तावन करके मेरा घर बन रहा है, उनके सामने वाला घर इनका है, और माशाल्लाह से ये हमें बिजली भी दी हुई है। वैसे भी माशाल्लाह बहुत जो है ना नाइस आदमी है, पूरी फैमिली जो है ना माशाल्लाह आलम दीन है। हमारी जो बाजी हैं वो भी माशाल्लाह से जो है ना दीन का काम करते हैं, बच्चों को आप पढ़ाती हैं मदरसे में भी, नमाजें भी मस्जिद में पढ़ाती हैं माशाल्लाह। आप ऐसा करें इसको नीचे रखें ना, ये मैं उठवाऊँगा, आप इनका पहले वो दें, घी दें, 10 किलो का काटन है। हाई साहब 5 किलो आई ला, इसके अंदर 5 किलो घी है, ये आपके माह रमज़ान के लिए ना नेमत आई है। और साथ में गट्टू भी है, ये जी शाहिदा रमानी है, अमेरिका से हैं हमारी आपी, उनका मैंने आपको बताया था, उनकी तरफ से ये आपको राशन दिया है, उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। जब आप जो है ना ये इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको भी सवाब मिलेगा, आप ही को भी सवाब मिलेगा। मैं ये जो है ना राशन आपके साथ रखवा लेता हूँ, आपका जी कार्टन रखवा दिया है, अमानत दे दी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। चलते हैं जी अंदर, अब जाके जो है ना पैकिंग करते हैं, टाइम जो है ना बिल्कुल कम रह गया है। पैकिंग का काम जो है ना माशाल्लाह से शुरू कर दिया गया है, अब जो है ना तरतीब के साथ हर साल की तरह जैसे हम पैकिंग करते हैं ऐसे अंदाज से उसी तरह से जो है ना माशाल्लाह पैकिंग की जा रही है। इस साइड पर जो है ना एक थैला जो है ना गट्टू, इसके अंदर चीनी हो गई, आटा हो गया, बेसन हो गए, चावल हो गए, और दालें हो गई, और खजूरें हो गई, साथ में जो हो गया जामा शीरी की बोतलें हो गई,
यहाँ पे ठेले बनाए जा रहे हैं और एक साइड पर जो है दूसरा मिसाले जात के पैकेट बना रही है कौसर बैठी हुई, और एक साइड पर जो सुगरा सिस्टर हैं वो बना रही हैं अपना अल्लाह आपका भला करे सरफ का, और दूसरा जो सामान है वो अलग से साबुन वगैरह वो अलग से जो है ना पैक कर रही हैं। माशाल्लाह से ये बहुत सारा राशन आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से ये हमारी बहुत ही प्यारी फैमिलीज़ हैं, चार फैमिलीज़ की तरफ से ये राशन का आगाज़ किया जा रहा है माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में। माशाल्लाह से अल्लाह पाक से दुआ है, हाफिज़ साहब ने भी बहुत ही प्यारी दुआ करा दी है, मेरी ज़रूरत ही नहीं रही माशाल्लाह से, क्योंकि वह आलम दीन भी हैं, हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह, मस्जिद में नमाज़ें भी पढ़ाते हैं, साथ में बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह से। नाम मैं बता देता हूँ, खालिद भाई और आमना आपी फ्रॉम अमेरिका से। माशाल्लाह से आपकी तरफ से सबसे पहले बिस्मिल्लाह करवाई गई थी माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में। माशाल्लाह जो हमने राशन हर साल की तरह तकसीम करवाते हैं, पहले भी माशाल्लाह से, पिछले साल भी खालिद भाई ने माशाल्लाह से और नजमा आपी ने माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह, और साथ में मुसर्रत आंटी हैं सराय आलमगीर से, उनकी तरफ से राशन में हिस्सा डाला गया है। शाहिदा रहमानी हमारी सिस्टर हैं, उनकी तरफ से हिस्सा डाला गया है। यूनस भाई फ्रॉम यूके से आपकी तरफ से इस कारे खैर में हिस्सा डाला गया है माशाल्लाह से। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप देर ना करें, कहते हैं ना पहले आए पहले पाएं, आप भी अगर इस कारे खैर में हिस्सा शामिल करना चाहते हैं देर ना करें, हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा होता है या एंड में भी दिया हुआ होता है, आप जो है ना रब्ता करके इस कारे खैर में इस नेकी के काम में जो है ना ज़रूर अपना हिस्सा शामिल करें। अब जी पैकिंग कर रहे हैं आपके सामने, आज तो जो है ना नहीं दिया जा सकेगा हकदारों में राशन, क्योंकि आपको पता है कि शाम हो गई है बिल्कुल, ये देखें कुछ ही देर के बाद जो है ना सूरज जो है ना ग़ुरूब हो जाना है, उसके बाद जो है ना फिर राशन देना मुमकिन भी नहीं है, और जो हमारा रेड़ा है वो अभी हमें नहीं मिला, वो कल को मिलेगा इंशाल्लाह ताला, जो है ना कल से इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, शुरू कर देंगे हम राशन तकसीम करना इंशाल्लाह ताला। और इस साइड पर जो आप ही हैं ना माशाल्लाह से खाना बना रही हैं हमारे लिए, किसके लिए बना रही हैं? सबके लिए बना, गुस्से में कहे सबके लिए बना रही है। भाभी जी जा रही है मेरे ख्याल, जा रही हैं? हाँ जी जा रहे हैं, बच्चे अकेले हैं। आप रहते हैं? अच्छा बच्चे अकेले हैं, बच्चे अकेले हैं ना, छोटा बच्चा भी है जो ये भी बच्चा है माशाल्लाह से। दुपट्टा हटाना, नहीं हटाना, छुपाया था। हाँ नहीं नहीं हीरे होते, औलाद तो औलाद ही होती है ना जी। चलें ठीक है जी, मेरी काले में काले आ रही है जी। रात हो चुकी है और जी कोशिश करके माशाल्लाह से बहुत सारे जो हमने पैकेज हैं वो तैयार कर लिए हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको दिखा देते हैं, आप जो है ना तरतीब से डालते जाएं। पहले सब एक मिनट सब्र करें, जामा शेरी की बोतल है, खजूरें हैं, दालें हैं, बेसन है, चावल है, आटा है, ये पूरा जो थैला है आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, इस तरह से जो थैला है ना ये तैयार किया गया है, और ऊपर जो है ना ये खुश्क मिसाले जात जो है ये ऐड करने हैं, और इसके ऊपर जो है हमने जो है ना घी डाल के जो है ना मुकम्मल पैकेज हमारा तैयार हो जाएगा माशाल्लाह से। ये देखें जी तरतीब से यहाँ पे हमने जो है ना लगा दिए हैं, अभी आटा हमारा कम हो गया है, ये अभी यहाँ पे अधूरे छोड़ दिए, ये बाकी काम जो है ना सुबह किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो है ना कंप्लीट हो गए हैं, बस इसमें करना क्या है, हमने घी रख के ऊपर से गिरा लगा देनी है इंशाल्लाह ताला। बस हो गए, चले माशाल्लाह। बाकी जो है ना ये वाला जो सामान पड़ा है ना आप ऐसे ही तरतीब से अंदर रखते जाएं, इस गटुओं को जो है ना हम दीवार के साथ लगाते हैं, दरवाजा खोलें ओपन करें। घी तो अपन ही डालना, तो सुबह नहीं नहीं नहीं, वो साथ के साथ, साथ के साथ। हाँ बहुत सियानी है माशाल्लाह, हम तो भोले भाले हैं, कमले सियाने, सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से सारा राशन जो है ना अभी सेफ करके अंदर रख दिया है, ये वाला थैले कंप्लीट हुए पड़े हैं बिल्कुल, सिर्फ इसके अंदर घी ऐड करना है और जो पैकेट तैयार हुए पड़े हैं वो ऐड करने हैं, बाकी माशाल्लाह से वो थैले जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हैं। अभी ये बाकी रहते हैं क्योंकि रात हो चुकी है, बाकी काम जो है ना इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। बता देते हैं माशाल्लाह ये सारा जो आपको राशन नजर आ रहा है माशाल्लाह से 3,40,000 के करीब करीब ये राशन है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा माशाल्लाह से हमारा राशन का आगाज़ हुआ है, और देखने वाले प्यारे बहन भाइयों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और मेरी तरफ से सब फैमिलीज़ को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको एडवांस मुबारक देता हूँ माह रमज़ान की, और आपने जो माशाल्लाह से ये आगाज़ करवाया है
अल्लाह पाक जो है ना हमारे इस काम में मजीद बरकत अता फरमाए। अब जो है ना हम जाते हैं घर और जाने से पहले आपको तवी की मजेदार रोटियां दिखाते हैं, फिर जो है ना हम अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है आप, ये आपके हवाले है, ये है ना आप उधर सोएंगे, इधर ना ताला लगा दीजिएगा। हाँ जी, सुबह फिर इंशाल्लाह ताला और सामान आएगा, क्योंकि आटा जो है ना अभी कम हुआ पड़ा है, आटा सुबह आएगा, फिर सारे जो है ना थैले कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है ना जहाँ जहाँ जिस जिसका नसीब जिस जिसकी मोहर लगी हुई है उन तक इंशाल्लाह ताला ये जो है ना राशन पहुँचाएंगे। आप ये वो देखें वो अपने जो कुछ करना है कर रही है, चलें देखते हैं जी, उसके बाद घर चलते हैं। पत्री जी समिया बेटी लेकर आ चुकी है और तवी भी माशाल्लाह से जलाली है, बहुत मेहनत की है सबने मिलके, सबको मेरी तरफ से दाद। दाद वाला काम है ना बहुत हैवी काम था, क्योंकि मैं ही मर्द था, बाकी सारी लेडीज ने मिलके जो है ना माशाल्लाह हिम्मत करवाई है। अब जी ये काम करने के बाद जो है ना समिया का चेहरा देखें, अब सही नजर आ रहा है, इधर से देखें, इधर से लाल सुरख नजर आ रहा है, क्योंकि तवी के साथ बैठी है और इस साइड पर मेरी बड़ी बेटी यहाँ पे बैठी है। समिया अपना महविश बेटी रोटी बनाना शुरू कर दी है। इस साइड पे जी बड़े वाली जो है ना बर्जमान है, इस साइड पे छोटे वाली बर्जमान है, इस साइड पे ये बड़े वाली आपकी बर्जमान है, छोटी हैं जो है ना वो अपने घरों को रवाना हो गई हैं। सुगरा चली गई थी, खाना बनाना था उन्होंने, मैंने तो उसे कहा खा के चले जाना, तो कह रही थी तभी दूसरे है ना तो उनके लिए भी खाना। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे जी माशाल्लाह रोटी डाल दी है, लेकिन मैं तो आपके हाथ का सालन खा के जाऊंगी। कोई गाल है, कोई गाल जो कल हमारे मेहमान आए थे ना उन्हें बड़ा शौक था तवी की रोटी खाने का। अच्छा हाँ जी, कह रही तो पालस पालस क्या कह रही है, वो करके दे देंगे पार्सल, पालिश करके यहाँ से भेज देंगे लाहौर वाले मेहमान के लिए। इंग्लिश बोलना तो सीखे, फिर इंग्लिश बोल ही नहीं जा रही है। अंधेरा बहुत हो रहा है, धुआं भी बहुत हो रहा है। इस साइड पर जी समिया बेटी ने और महविश बेटी ने जो है रोटियां मेरे ख्याल से तैयार कर ली हैं। कितनी रह गई बेटा? थोड़ी सी रह गई हैं। और आप ही ने जो है ना जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा जी आप जो है ना खाना खा कर जाइएगा, शुक्रिया की ख्वाहिश जो थी ना खाना खा के जाने की थी जी। तो जो माशाल्लाह से यहाँ पे जी टेबल पे जो है ना आप ही ने लगा दिया है खाना, क्या बात है आपकी, आपकी वो जा रही है हंसती हुई। चलें जी बिस्मिल्लाह करें, खाना शुरू करें जी। और आप ही ने बनाई हुई है मजेदार, आलू है, मेथी है साथ में मेरे ख्याल, आलू पालक है। चले जी बिस्मिल्लाह करें। उधर भाई साहब बैठे हैं, आप क्या कर रही हो बेटे? मैंने कहा दिखती नहीं पालक, दिखती नहीं नहीं है, नजर आ रही है ये, बस ये थोड़ी थोड़ी थी ना मैं तोड़ के ले आई थी, मैंने कहा चलो भाई दिल कर रहा था, मैंने कहा पालक खाने का। माशाल्लाह बहुत मजे की होगी मुझे पता है, क्योंकि आप जो है ना बहुत अच्छा बनाते हैं, चंगी बनी पड़ी है माशाल्लाह। जी जी हाँ, फिक्र न करो, बहुत मजे का सालन बना। आप ही माशाल्लाह चाय भी अच्छी बनाती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है माशाल्लाह, क्या बात है, कैसा बना हुआ है जनाब? बहुत अच्छा बना है। मैं इसलिए कह रही थी ना आपके हाथ का सालन खा के जाना है, पेट भर के खाना। हाँ जी रच के खाएंगे जी, हाँ जी भूख लगी हुई है तो आ जा ऐसे करके जो देख रही है ना मारो, ए चुवर को ना मारो, शोरी को जी डब्बा, ये जहाँ से वो घी लेके आई ना उसकी अम्मी काम करती है ना, वो कह रही है डब्बा हमारा है, नहीं इतना डब्बा घर है ऐसा बिल्कुल, वो मैं दे दूंगी डब्बा। चलो फिर ठीक है, वो है ना जी, सही है ना, आप क्या कह रही हो? मैं कह रही थी वो जो आप डब्बा कह रहे ना ऐसा, ये घी उसमें डालना, ये डब्बा दे देना, हमने तो फिर सुबह सुबह आना है तो इतनी जल्दी ये फिर कैसे खाली होगा? ओ, दो मिनट लगे सारे नहीं लगते, दो मिनट नहीं जो खाली करके दे देना बस। वो कह रहे थे कि बस पराया तो पराई हमारा होता तो हम कह भी देते, हाँ जी पराई चीज पराई होती है ना। हाँ जी, आप क्या कमेंट, मैं आपके बातें सुन रहा हूँ बस, और क्या करते, मेरी जगह नहीं है ना बोलने की, कैमरा घुमाई बोलना चलिए। मेरे एक हाथ में 4 इंच, मैंने कहा 4 इंच बीच में ही रख लूंगी ना, ओ ये नहीं, ये तो मैंने कमरे में रखने, ये कोने लेके जा रहा हूँ लेके जाएंगे। कर क्या रही है, डब्बा खोले जा रही है बेचारी, छप्पर खोल रही हूँ ना तो इसके अंदर वो फिर आपके मोबाइल का चार्ज हो जाएगा गुजारा जी। फिलहाल जी लेते हैं आपसे इजाजत, खाना माशाल्लाह से हमने खा लिया है, आप ही ने जो है ना बहुत ही मजेदार जो है ना वो क्या बनाई हुई थी, आलू मेथी बनाई हुई थी, बहुत ही जबरदस्त
आलू पालक, सॉरी आलू पालक साथ में अगर आप दाल देती ना, दाल ऐड कर देती ना, बहुत ही मजे की बन जाती। नहीं, अब करेले दाल बनाऊंगी। अब तुम्हारा रमजान आ रहा है, रोजों में कहाँ खाई जाती है, मजे के भी होते हैं। आप ही के हाथ के करेले और दाल जो है ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार आप बनाते हैं। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल जी लेते हैं आप कच्चा बना दिया, कच्चा हाथ में ही है। ये कहता मुझे पीना पीना, पता नहीं ये क्यों नहीं पहनता मुझे, तो इसने बहुत जलील किया हुआ है, इसने मुझे बहुत ही गंदा कर। शुक्रिया कहती है आखिरी कुर्चन, आखिरी कुर्चन, बाकी मेरी आखिरी कुर्चन, इसने मुझे बहुत ही तंग किया हुआ है, ये पता नहीं क्यों। चलें जी, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, सबकी औलाद को अल्लाह पाक नेक बनाए, हर औलाद को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। इसी दुआ के साथ जी हम लेते हैं फिलहाल आपसे इजाजत। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।